ये चढ़ जाएगा आराम से। एक मिनट रुको। तो हेलो भाई, कैसे आप सब लोग। तो भाई ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो, मतलब मैंने इसका रिव्यू करा हुआ है, ओनरशिप रिव्यू दिया हुआ है उन भाई की गाड़ी। और भाई यही पहच, आपको लोकेशन याद हो तो हमने ऑफ रोडिंग की हुई है। और मैंने पहली वीडियो में बोला था कि यहाँ पे स्कॉर्पियो लेके आएंगे, तो भाई ये गाड़ी यहाँ पे चलाएंगे और इससे थोड़ी मतलब करेंगे एक्सट्रीम सी, उनसे थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि भाई ये एक है कैपेबल कार है अपने आप में काफ़ी बढ़िया। और यहाँ से उतारेंगे, मतलब यहाँ पे आपको वीडियो में लग नहीं रहा होगा इतना, पर भाई काफ़ी ऊंचा है यहाँ पे ना, आराम से। अभी बारिश आ रखी थी तो रेत तो थोड़ा बैठ गया, पर फिर भी देखते हैं, स्लिप तो करी जाएगी भाई गाड़ी, इसके टायर वैसे घिसे हुए हैं तो वही वहाँ पे तो आराम से स्लिप करेगी वहाँ उस लोकेशन पे। तो भाई अब लेके आते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं कितनी कैपेबल है ये गाड़ी भाई। 4x2 में, 4x2 में क्या दिक्कत आती है इसको, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो भाई अब करते हैं इससे ऑफ रोडिंग, मतलब थोड़ी सी यार नाइट होगी, पर फिर भी आपको दिखाता हूँ मैं। चल रुक जा, वो टायर दिखाऊं, स्लिप वाला दिखाऊं, रुक, स्लिप ना कर रो, वो ना कर रो भाई। 4x2 में देखा आपने कि मतलब ये दिक्कत आती, थोड़े से गड्ढे में बैठ जाएगी, देख कितनी गर्मी लगती है, वैसे निकल जाएगी, कैपेबल गाड़ी है यार, मतलब काफी इजीली जा रही है गाड़ी ना, काफी इजीली जा रही है। अब देखो मतलब वहां पे थोड़ी सी बैठी थी, अब आगे देखता हूँ, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। पहली वीडियो में आपने देखा होगा वैगनार इको भी करी थी, यहाँ पे बैठ गई थी, चल नहीं पा रहे थे, ये चढ़ जाएगी आराम से। तो भाई अब ले जाएंगे वहां से, मतलब आपने देख रहे हो वहां से सामने से लेके जाऊंगा, मतलब ऊंचाना है वहां पे, और मतलब 10 शक्ति वहां पे आराम से बैठ जाएगी, क्योंकि 4x2 है, पर फिर भी यार ट्राई करते हैं आपको दिखाने के लिए। तो भाई चलते हैं। देखिए आपने कितने आराम से चढ़ गया। तो भाई देखो यहाँ पे मतलब यार कितनी मतलब है ऊंचान, और आराम से चढ़ गई 4x2 भाई, स्लिप वगैरह भी की इसने, पर देखो ना भाई कितनी कैपेबल गाड़ी भाई, अलग ही मजे इस गाड़ी के, मतलब नेक्स्ट लेवल कार है भाई ये। 4x2 में भी बहुत कैपेबल है गाड़ी, मतलब टॉर्क कितना मिलता है भाई, पावर इतनी है इस गाड़ी में। लुक्स देखो भाई, एक तो आप इसके ब्लैक रंग कितनी जबरदस्त लगती है यार। अब यहाँ से देखो ना, अब यहाँ पे उतारूंगा ना, यहाँ से देखना भाई, ये देखो मतलब कितने प्यार से जा रही है, इसको कोई फर्क नहीं है भाई, यहाँ कहीं चल भी रही हूँ ऐसा लग रहा है, रोड पे चल रही गाड़ी। अब मॉडल है, इसे मॉडल इस साइड, इस साइड बैक बैक में रिवर्स लेके, हाँ देख देख, अब यहाँ पे स्लिप खा रही है ना, ऐसी सिचुएशन में 4x2 यार वो बस धस जाती है, अब रोक देना पे, अब ये थोड़ी सी स्ट्रगल करेगी, अगर स्पीड में होती ना तो आराम से मुड़ जाती बस इसी जगह भाई। 4x2 का थोड़ा डिसएडवांटेज लगता है। अब देखो यहाँ पे बैठ गई ना, अब देख ये देख, अगर थोड़ी सी बैठ गई स्लो स्लो में तो बैठ गई, स्पीड में तो निकाल ना कहीं पे भी। हाँ भाई बिल्कुल वही एक मैं रीजन बता रहा हूँ आपको, देख रहे हो कितनी बैठ गई। अब देखो आगे इतनी ओट लगी ना, मैं ओट हटाऊंगा फिर आराम से निकलेगी, एक मिनट का भी दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे स्ट्रगल करके ना निकाल दिया, फोन आ गया तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, भाई ने फिर बाढ़ दिया, फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो स्ट्रगल करेगी गाड़ी यार, मतलब ये देखो
4x2 का, अब वो वाला टायर नहीं घूम रहा होगा, वो दिखाता हूँ आपको दूसरे वाला, ये देखो निकल रहा ना अभी इसमें, मतलब ट्रैक्शन है उसमें, ट्रैक्शन नहीं तो उसी में जा रही, इसमें डिफरेंशियल लॉक नहीं है, तो एक है इसका डिसएडवांटेज गाड़ी का। देखो स्ट्रगल कर रही है अब निकलने में, पर फिर भी निकल जाएगी, और निकल गई ना, चल 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 चल। और एक ही इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि इसके टायर घिसे हुए हैं, अगर टायर हो ना इसमें पूरी ग्रिप तो निकल जाएगी आराम से। लिया रिवर्स, लिया इंगत निकाल ले इस साइड से ही, हाँ हाँ चल। ये देखो भाई यार जबरदस्त गाड़ी है ये देखो, मतलब 4x4 में हो तो पता नहीं कितनी कैपेबल गाड़ी है भाई ये। तो भाई ऐसी थी ये कुछ स्कॉर्पियो ऑफ रोडिंग वीडियो, और मतलब आपने देखा होगा वीडियो में कि कितनी कैपेबल है भाई, दिखे सबको ही पता है भाई स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो ही है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।